हेलो एवरीवन वन माइ कमलेश चौधरी टीम फिजिक्स सी एल कर आज हम डायमंड टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2023 ट्वेंटी डंगल दंगल फाइव जो है उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं फिजिक्स सेक्शन है उसमें सेक्शन फर्स्ट में कुछ 35 क्वेश्चंस क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रखा है कि एनर्जी ई एंगुलर मोमेंटम एल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी लें तो डायमेंशन ऑफ ई डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक में किस तरह से रिलेट होगा किस तरह से डिपेंडेंट होगा वो देखना है तो देखें अगर हम एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक को कंपेयर करके देखें एक बार डायमेंशनली कैसे दिख रहे हैं तो प्लैंक के लिए मैं लिख सकता हूं यहां पे रिलेशन लिख सकता हूं कि ई एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू जहां न्यू फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टी डायमेंशन होगा तो एच का डायमेंशन जो होगा ई और टी की डायमेंशन के इक्वल आएगा और दूसरा एंगुलर मोमेंटम अगर देखें तो एंगुलर मोमेंटम के लिए मैं एनर्जी को लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल टू हाफ आई उमेगा स्क्वायर या फिर आई उमेगा एक साथ कम क्लब कर ले तो एंगुलर मोमेंटम एनर्जी की यूनिट आ जाएगी एंगुलर मोमेंटम इंटू उमेगा के बराबर तो ई बाय या ओमेगा की डायमेंशन भी वन अपॉइंट टी होगी तो ई इंटू टी की जो डायमेंशन है सेम डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है अब डायमेंशनली अगर यहां पे देखें तो L और H की डायमेंशन सेम है और L को अगर हम फंडामेंटल यूनिट मान लें तो जो H की डायमेंशन है वो L की डायमेंशन के बराबर होगी मतलब E पे भी डिपेंड नहीं कर रही है G पे भी डिपेंड नहीं कर रही है तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी यहां पे E की पावर जीरो पे डिपेंडेंट होगा प्लैकेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में दो वैक्टर ए और बी है वो सेम प्लेन के अंदर एक थर्ड वैक्टर सी वो प्लेन के आउटसाइड है तो उनका सम तीनों का ए प्लस बी प्लस सी तो देखो अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट सम जो होता है वो जीरो होता है और उस केस में उन तीनों के प्लेन के अंदर ही वो रिजल्ट आएगा और या ए बी और सी किसी और डायरेक्शन में तो भी इन तीनों का रिजल्टेंट सेम प्लेन के अंदर आएगा अगर कोप्लेनर है तो अब ऑप्शन देखते हैं कैन बी जीरो तो कैन बी जीरो नहीं है कैन एवर बी जीरो ये ठीक है एक अगर प्लेन के आउटसाइड है तो तीनों का सम जीरो नहीं हो सकता

तो x और t स्क्वायर आपस में रिलेटेड है पैराबोलिक इक्वेशन होगी अगर x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्स टू ऐसा इक्वेशन अगर दिखता है पैराबोलिक इक्वेशन है तो पैराबोलिक है 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 ये करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा हुआ x डिनोट द डिस्प्लेस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन तो ये डिस्टेंस नहीं है ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होता है x माइनस एक्स नॉट वो पोजिशन एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट इनकरेक्ट है और ये पूछा हुआ था तो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो अगर ए तो की वैल्यू जीरो भी लग जाएगा दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वेलोसिटी तो अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती जा रही है मतलब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है उसके लिए वैलिड है तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इक्वेशन करेक्ट है और पूछा इनकरेक्ट है तो अपना ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकेंड क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड फोर एक प्रोजेक्टाइल जो है उसको थ्रो किया है 50 मीटर पर सेकंड से एंगल है 53 डिग्री और इसमें पूछा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी तो देखें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस पैराबोलिक पाथ के लिए प्रोजेक्टाइल के लिए y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर थीटा होती है रेंज के टर्म में भी होती है लेकिन यहाँ पे थीटा यू ये दे रखा तो इसी फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो y इक्वल्स

अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये था वन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन एटी वाईस टू वन एटी यहां के लिए इसको सिक्सटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू फोर्टी एक्स माइनस ये वन एटी तो उधर चला गया था एक्स स्क्वायर ये इक्वेशन हो जाएगा अपना तो ये इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन हंड्रेड एंड फाइव एक स्मूथ वॉल है तो मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए तो देखो स्मूथ अगर वॉल है तो नीचे जो एम लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए कोई फ्रिक्शन तो है नहीं तो वर्टिकल में MG के अलावा और कोई फोर्स नहीं है तो ब्लॉक बिना रुके नीचे की ओर स्लिप होता ही जाएगा कितना ही फोर्स लगा दो तो ये पॉसिबल नहीं है इस केस में क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें वो सिचुएशन बतानी है जिसमें ब्लॉक को मूव करवाने के लिए लेस एफर्ट लगाना पड़ेगा लीस्ट एफर्ट लगाना पड़ेगा तो देखो ब्लॉक को मूव करवाने के लिए फ्रिक्शन रफ सरफेस पे मिनिमम एफर्ट के लिए फोर्स किसी एंगल पे हमें लगाना पड़ेगा और ये एंगल की वैल्यू आती है टेंथा इक्वस टू म्यू टेंटा इक्वस टू म्यू पर मिनिमम एफर्ट लगाना पड़ता है ब्लॉक को मूव करवाने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम फोर्स किसी एंगल पे लगाएंगे तो फोर्स का एक कॉम्पोनेट नॉर्मल को वीक करेगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा तो ब्लॉक थोड़ा आसानी से मूव करने लगेगा तो इसलिए इसको मूव करवाने के लिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन ब्लॉक है मास एम का एक एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है जो डाउनवर्ड मूव कर रही है और एक्सेलरेशन उसका ए है ब्लॉक को दो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व observe कर रहे हैं एक तो बोल दिया ए एक ऑब्जर्वर है B. तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर ए अब ए ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग देखोगे अगर ब्लॉक को तो ये हमेशा रेस्ट में दिख रहा है ए के अकॉर्डिंग बी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है लेकिन ए के अकॉर्डिंग रेस्ट में अगर रेस्ट में है तो ए के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो है ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू ए टर्म जीरो है अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या एफ डॉट डी एस करके देख लो ये वैल्यू आएगी जीरो तो क्या बोल रखा है वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज जीरो ठीक है द द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज जीरो ये भी ठीक है नॉर्मल लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है वर्क डन बाय बायडो फोर्स ए के अकॉर्डिंग देखें तो सोडो फोर्स भी लगेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से वर्क डन जीरो तो इसलिए सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड के बजाय फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 108 दो ब्लॉक एम वन एंड एम टू एक्ट बाई से फोर्स एफ जो है और उसकी वजह से सेम डिस्प्लेसमेंट दोनों का हो रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है फोर्स एफ है सेम डिस्प्लेसमेंट है तो अगर मैं वर्क लिखूं तो वर्क सेम आएगा दोनों पे वर्क सेम आएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा इनको टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो ठीक है फोर्स के अगेंस्ट इसी फोर्स की वजह से मूव कर रहे है। तो यहां पर यह पार्ट तो सेम है तो यहां से लिख रहा है कि जो वेलोसिटी है वो मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वेलोसिटी मास के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हो जाएगा फोर क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड नाइन डेंसिटी ऑफ स्क्वायर और सर्कुलर प्लेट की सेम है दोनों की डेंसिटी सेम बता रखी है सेंटर ऑफ मास इस कंबाइंड सिस्टम का कैसे होगा तो अगर दोनों की डेंसिटी सेम है सेम मेटेरियल के बने हुए हैं इसका डायमीटर ए है इसकी साइड अगर ए है तो अगर मैं यहां पे इसके अंदर ए रेडियस का अगर ए डायमीटर का अगर सर्कल बनाना चाहूं तो बन सकता है तो इसका मतलब इस डिस्क में से इस तरह का सर्कुलर पार्ट हम रिमूव कर सकते हैं उसके बाद भी कुछ पार्ट बच जाएगा इसका मतलब जब मैं मास को कंपेयर कर रहा हूं तो एम और एम में से ज़्यादा है भी है, ठीक है। और इस पॉइंट से दोनों का सेंटर जो है वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं इस पॉइंट से सेंटर मास को कंपेयर करूं तो तो लाई करेगा इस प्लेट के अंदर तो सेंटर ऑफ मास जो है स्क्वायर प्लेट होगा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड टेन एंगर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स ड्यू टू तो अगर किसी सेंट्रल फोर्स की वजह से कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है जैसे ये लो की, तो की, तो की, तो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जीरो आर क्रॉस करेंगे तो आर की वैल्यू ये फोर्स ये टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा तो कॉन्स्टेंट रहने का रीजन क्या है जीरो टॉर्क ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 इसमें एक स्मॉल ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी का रोल हो रहा है सरफेस पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी है और ये मैक्सिमम हाइट थ्री वी स्क्वायर बाई फोर जी तक पहुंच रहा है रोल होते हुए पहुंच रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा वो देखना है तो अगर ये एच हाइट तक जाता है तो उसके अकॉर्डिंग रिलेशन क्या होगा कि वेलॉसिटी वी वी इक्वल्स टू रूट ऑफ

इक्वल टू टू जी एच एच की वैल्यू है थ्री वी स्क्वायर अगर कैंसिल कर दें तो थ्री बाई टू तो ये वैल्यू हाफ आ रही है तो आई बाय एम आर स्कू हाफ या आई टू हाफ एम आर स्क अगर आई हाफ एम आर है डिस्क का या सॉलिड सिलेंडर का तो यहां पे ऑप्शंस में अपने पास है डिस्क तो ये डिस्क हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्नियर है, जिसका वन एम एम मार्क जो है मेन स्केल पे, रखा है मतलब के लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इक्वल डिवीजन है वर्नियर स्केल में और जो सोलह मेन स्केल डिवीजन से मैच हो रहे तो लीस काउंट क्या होगा तो तो क्या होता है कि कितने हैं टोटल मैच कितने हो रहे हैं मेन स्केल से 16, और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न इसके अंदर कितने थे ट्वेंटी इसको हम लीज काउंट बोल रहे होते हैं और ये वैल्यू mm, तो वैल्यू आ जाएगी mm, तो वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट टू एम एम के बराबर तो इसका लीज काउंट हो जाएगा जीरो पॉइंट टू थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन एक सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल है

इसको लिख सकता हूं एल्फा आर के बराबर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो यहां से अल्फा की वैल्यू लिख पाएंगे अपन तो इसको मैं लिख रहा हूं सेंट्रीपिटल को ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था तो वीवल्स टू यू प्लस ए टी की जैसे एल्फा इंटू टी के बराबर ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी इंटू आर ये इसकी वैल्यू और इधर की और ये वैल्यू है एल्फा आर या नाइन जिसकी वैल्यू ये बनाएगी अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दोनों से इक्वल इक्वल एंगल 45 डिग्री एंगल बोल रखा है यहां से तो 45 डिग्री एंगल बनाने का मतलब कैलकुलेट है? है। तो करनी है एल्फा आर की वैल्यू है 9, और यहां से एल्फा आर इसको बनाते हैं है। तो एल्फा स्क्वायर स्क्वायर आ गया डिवाइड बाई आर की वैल्यू है फोर इंटू टी स्क्

स्पीड वी है वेव बस की वो कैसे वेरी होगी हाइट के साथ साथ तो देखो जब स्ट्रिंग के अंदर वेव ट्रेवल करती है तो उसकी वेलोसिटी हम बोलते हैं के बराबर ये वेलोसिटी होगी अब इसके अंदर रोप के अंदर टेंशन वेरी होता जाएगा जैसे इस वाले पॉइंट पर अगर टेंशन निकालना है तो नीचे वाले पार्ट के वेट के बराबर होगा तो टी की वैल्यू बोल सकता हूं इस पॉइंट के लिए एक्स सपोज कंसिडर कर लेता है ये हाइट तो इस पॉइंट पे टेंशन होगा मास पर लेंथ लेंथ इनटू इनटू ये इस पूरे पार्ट का वेट

फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फ्रिक्वेंसी क्लोज पाइप की 220 दे रखी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई क्लोज पाइप की v बाई फोर एल और ये बोल दिया कि वन फोर्थ ऑफ द पाइप फिल्ड विद वाटर वाटर भर दिया इसमें fourth, तो कॉलम रह गया तो उसमें फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो फर्स्ट ओवरटोन अगर हमें लिखना है तो फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक होता है और थर्ड हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का थ्री टाइम्स तो थ्री वी बाई फोर एल और नई वाली लेंथ रह गई थ्री फोर्थ फोर्थ वाटर भर दिया एयर कॉलम की लेंथ थ्री फोर्थ गई तो यहां से थ्री कैंसिल हो गया और बाकी वैल्यू इसको कंपेयर कर रहा हूं मैं ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी है पहले वाली जो दे रखी है टू ट्वेंटी तो टू ट्वेंटी और ये फोर ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा एट एट्टी हर्ट्स के बराबर तो थर्ड ऑप्शन इसमें होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एक यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड है रोटेट कर रही है परपेंडिकुलर बाई के अबाउट

डिक्रीज होगी कंजर्व रहने के लिए तो इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन विल डिक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कंसीडर uh, करना है एक स्लैब को जो दो डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है और सीरीज में कंसीडर करना है इनको और एक जो थिकनेस है इक्वल थिकनेस है दोनों मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी उनकी दे रखी है k और 2k तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी स्लैब की पूछी है तो दो स्लैब अगर इस तरह से सीरीज में लगा रखी है टेम्परेचर टी वन और टी टू पे तो इनको हम दो थर्मल की की जैसे कर सकते हैं सीरीज में होता है, तो इनका हो जाएगा पहले थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया ए। प्लस दूसरे का थर्मल को लिख सकता हूँ एल इक्वेलेंट लेल बाय के इक्वेलेंट कंडक्टिविटी एरिया क्रॉस सेक्शन कंप्लीट का ए ए तो कंसीडर करना है तो यहां से के के की वैल्यू आ जाएगी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो थ्री बाई टू के इधर आया जो थ्री और फोर फोर के बाय थ्री तो के बराबर बाकी ए और एल कैंसिल हो गए थे यहां पर तो के इक्वेलेंट फोर के बाय थ्री के बराबर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन ग्राम वाटर जो है वो थर्टी डिग्री सेल्सियस पे फाइव ग्राम आइस माइनस ट्वेंटी डिग्री पे और इनको मिक्स कर दिया एक कैलोरी मीटर में तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का क्या होगा वो कैलकुलेट करना है है तो देखें, एक तरफ ग्राम आइस वाटर सॉरी ये नाइनटीन ग्राम जो वाटर है ये है थर्टी डिग्री सेल्सियस पे और दूसरी तरफ आइस आइस मिक्स कर रखी माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे तो आइस को ये हीट देगा तो ये कंटिन्यूसली हीट देता जाएगा जब तक या तो टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए या फेज चेंज की कंडीशन नहीं आ जाए फेज चेंज होगा तो पहले फेज चेंज करना उसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो पहली कंडीशन में ये कितनी हीट दे सकता है तो एम एस डेल्टा टी जीरो डिग्री तक ला रहा हूं मैं इसको एक बार जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर तक लाने में इतनी हीट दे सकता है ये ठीक जिसकी वैल्यू हो गई फिफ्टी सेवन इंटू टेन कैलोरी के बराबर

तो यहां से 50 कैलोरी इसको हीट होगी इसको केवल 50 कैलोरी हीट ये 570 कैलोरी हीट दे सकता है पूरा टेम्परेचर जीरो तक आया नहीं उससे पहले आइस पूरा जीरो डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो इसका टेम्परेचर अभी थर्टी और जीरो के बीच में है अब जब ये जीरो डिग्री सेल्सियस पे आइस पहुंच गया अभी भी टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच में तो आइस और हीट लेगा मेल्ट होगा आइस को मेल्ट होने में कितना एनर्जी चाहिए तो Q ML, M, और लेटेंट हीट है इसकी क्योंकि तो इसको फोर हंड्रेड कैलोरी ये दे चुका था टोटल जीरो तक आने पर फाइव सेवेंटी दे सकता है लेकिन अभी भी कितना फाइव ट्वेंटी बच रहा था फोर हंड्रेड चाहिए इसको केवल मतलब ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया आइस भी पूरा जीरो डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो चुका ये कन्वर्ट हो चुका है लेकिन अभी भी ये क्या है कि पूरा हीट नहीं दे रहा है अभी भी ये मिड में कहीं टेम्परेचर पे है तो अभी भी इसका टेम्परेचर जीरो से ज्यादा है ये जीरो पे है अभी भी टेम्परेचर डिफरेंस और हीट लेगा और फाइनली सिस्टम क्या होगा जीरो से ऊपर कोई टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तो एनर्जी रिलेट कर देते हैं तो ये जीरो पे नहीं आया किसी टी टेम्परेचर पे पहुंचा फाइनल यही हो रहा है ये जीरो पे पहुंच गया था बीच में अटका हुआ था तो फाइनल कुछ टी टेम्परेचर ले ले तो एम एस डेल्टा टी थर्टी माइनस टी इतनी हीट इसने दे दी कोई टी टेम्परेचर कंसिडर कर लिया और वो हीट कहाँ गई इसके पास गई फिफ्टी तो यहां से यहां तक फोर हंड्रेड इसमें गई बाकी कुछ टी टेम्परेचर तक इसका भी फाइनल टी तक पहुंचा दिया तो एम फाइव ये वाटर में कन्वर्ट हो चुका है एस वन टेम्परेचर जीरो से टी हो गया इसका तो यहां पे देखें नाइनटीन टी और फाइव टी ये मिला के हो जाएगा इधर ट्वेंटी फोर टी टू थर्टी फाइव सेवेंटी माइनस फोर फिफ्टी करेंगे तो यह आ जाएगा वन ट्वेंटी के बराबर तो टी की वैल्यू आ जाएगी यहां से फाइव डिग्री सेल्सियस तो फाइनल टेम्परेचर इसका फाइव डिग्री सेल्सियस तो क्वेश्चन नंबर एक सौ उन्नीस में वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दे रखा है आइडियल गैस के लिए डिफरेंट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे तो क्या रिलेशन होगा पी वन पी टू में तो उसके लिए कोई एक रेफरेंस लाइन ले लो या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ले लेते हैं तो इस वाले पॉइंट पर वॉल्यूम इस वाले पॉइंट पर वॉल्यूम अब ग्राफ के हिसाब से V2 V1 से ग्रेटर है हमने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखा हुआ है तो अगर टेम्परेचर से तो सेम है तो वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशन वन अपॉन इनवर्स में आ जाएगा तो इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा कि पी टू लेस हो जाएगा पी वन ग्रेटर हो जाएगा तो पी वन ग्रेटर देन पी टू ये रिलेशन आ जाएगा नेक्स्ट थ्री मोल ऑफ ऑक्सीजन और टू मोल ऑफ हीलियम को मिक्स कर दिया रेशियो बताना है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब गामा का गामा की वैल्यू पूछी हुई है मिक्सचर की तो देखो अगर ऑक्सीजन का गामा हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है सेवन बाई फाइव वन पॉइंट फोर के आसपास हीलियम मोनोटॉमिक तो उसके लिए गामा की वैल्यू हो जाएगी फाइव बाई थ्री वन पॉइंट सिक्स सिक्स दोनों अगर मिक्स हो रखे हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट सॉरी गामा की वैल्यू जो है 1.4 और 1.66 या 7 के बीच में कुछ वैल्यू आनी चाहिए अब इनके बीच में अगर ऑप्शन देखोगे तो एक ही दिख रहा है 1.5 अदरवाइज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है n1 cp1 n2 cp2 डिवाइड बाय n1 cv1 n2 cv2 ये मिक्सचर का गामा हम बोलेंगे ठीक है तो अलग-अलग गैस है लेकिन केवल ऑप्शन देख के भी कर सकते हो कि रिजल्ट जो आएगा इनके बीच में आएगा तो 1.5 इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, 140 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर राइज करने के लिए दो मोल डायटोमिक गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे जीरो टू टेन डिग्री सेल्सियस तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा जीरो टू टेन डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट वॉल्यूम में सेम के लिए तो देखें अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है तो हीट रिक्वायर्ड है एनसीपी डेल्टा टी और अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है तो हीट रिक्वायर्ड है एन डेल्टा टी तो एक तरह से ये अगर 140 है इसको अगर मैं क्यू कंसीडर कर लू रेशियो ले लू सेम टेम्परेचर सेम नंबर मोल पी डायटोमिक गैस है तो ये वैल्यू थी सेवन बाई टू आर ये बी की वैल्यू तो सेवन बाई फाइव रेशियो में आ जाएगा तो क्यू की वैल्यू हो गई फाइव बाई सेवन जो आ जाएगा अपना हंड्रेड कैलोरी के बराबर सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट वन ट्वेंटी टू फोर इक्वल चार्जेस है और फोर कॉर्नर पे रखे हुए और द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है ड्यू टू वन ऑफ द चार्जेस इज ई पे पे सेंटर सेंटर तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ऑफ स्क्वायर अगर चारों चार्जेस इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है इसकी वजह से इधर आ रहा है तो इसकी वजह से फील्ड अवे आएगा जो अपोजिट है कैंसिल हो जाएगा तो फील्ड एड करेंगे तो सबका फील्ड सेंटर पे मिला के कैंसिल आउट होगा जीरो आंसर आ जाएगा नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है इस तरह से कि उसका इक्वेटर एक्सिस एक्सिस पे पे है तो डायपोल मतलब x पे हो गया इक्वेटर इसका वाई एक्सिस पे है और एक कोई पॉइंट पी है डायपोल से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो कोई पॉइंट पी यहां पर ले ले तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो ओपी जो है वो एक्स एक्सिस से एल्फा एंगल बना रहा है तो ये एल्फा कितना होगा वो कैलकुलेट करना है तो ध्यान दें यहां पर इस लाइन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बनाता है अगर मैं इसको बीटा बोल दू तो टेन बीटा की वैल्यू होती है ये वाला एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है हमें कैलकुलेट करना की वैल्यू तो बीटा की जगह लिख रहा हूं टेन नाइनटी माइनस एल्फा एक माइनस एल्फा हो जाएगा कॉट एल्फा वन अपॉन टेन एल्फा तो टेन स्क्वायर एल्फाइ एक था ही, एक और टेन एल्फा आ गया टू तो टेन एल्फाक्वल टू रूट टू है वो एज पे रखा हुआ है क्यूब के तो फाइंड आउट क्रॉसिंग फ्लक्स फ्रॉम द शेडेड फेस तो ये जो शेडेड फेस है इससे पूछा हुआ है क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं टू में डायग्राम एक बार बनाता हूं और ये जो एज है एज पे यहां पे कहीं चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हर डायरेक्शन में जा रही होगी अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस फेस के बिल्कुल पैरेलल निकलेगी इस फेस के बिल्कुल पैरेलल निकलेगी तो अगर पैरेलल निकल रही है तो इस फेस को क्रॉस करके एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी ना इस फेज को क्रॉस करती हुई जाएगी आगे वाले फेसेस को जरूर क्रॉस करेगी तो इस चार्ज से निकलने वाली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस फेस को क्रॉस नहीं करेगी Parallel निकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इसलिए फ्लक्स e. की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो इन दोनों फेसेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो टोटल जीरो है। 125, इसका के ए और बी में कितना तो पहला कैपेसिटेंस वन सीरीज में दो मिला के हो गए टू फोर मिला के हो गए वन बाई फोर वन बाई एट और जब इन सबको पैरेलल में देखेंगे तो ऐड होंगे कैपेसिटेंस तो वन वन तो आगे आगे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं वन बाय टू से तो अगर इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई जिसे अगर उसको आर बोल रहा हूं तो ये वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन वन माइनस आर इस तरह की सीरीज का सम। तो मतलब फर्स्ट टर्म वन बाय आर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो बार बार वन बाई टू से तो ये आ गया ओवरऑल वैल्यू टू तो टू कैपेसिटेंस आ जाएगा वैसे ऑप्शन वाइज भी देख सकते हो कि अगर वन और ये पूरी वैल्यू अगर एड कर रहे हैं तो हाफ फिर उससे छोटी वाली और छोटी वैल्यू एड करे तो वन से तो ग्रेटर है लेकिन इन्फाइन तक ये सीरीज आएगी नहीं तो वन से ग्रेटर हाफ है नहीं इन्फाइन तक सीरीज नहीं जानी तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा 126 एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम हीट कर रहे हैं क्यूरीज़ टेम्परेचर तो क्यूरीज़ टेम्परेचर के बाद इसकी सक्सेप्टेबिलिटी के लिए हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टेंट टी माइनस टी क्यूरी और ये चीज वैलिड है क्यूरीज़ टेम्परेचर के बाद जिसके बाद ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक की जैसे बिहेव करने लग जाता है उसके बाद तो यह ऑप्शन हो जाएगा कि क्यूरियस टेम्परेचर के बाद क्या होगा तो बिहेव जाइक पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी सेवन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉड नियर ए कॉयल तो एक कॉल के पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले जा रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट बताना है ऑब्जर्व कहां कहा से कर रहे हैं मैग्नेट की साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक ले लेते हैं नॉर्थ पोल इधर वाले पोल को नॉर्थ कंसिडर कर लेते हैं इधर से ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल जब इसके पास ले जाएंगे इसके अंदर करंट ऐसे फ्लो होगा कि उसका अपोज कर सके तो नॉर्थ पोल जनरेट करेगा सामने तो अगर सामने नॉर्थ पोल जनरेट कर रहा है तो उसके बेसिस पे ये करंट की डायरेक्शन इसके अंदर होगी ये करंट की डायरेक्शन मैग्नेट की साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये मैग्नेट की साइड से एंटीक्लॉक वाइज डायरेक्शन इसकी आ जाएगी नेक्स्ट वन ट्वेंटी एट एक व्हील जो है उसमें फोर रॉड है लेंथ एल है है रोटेट कर रहा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर और रिम पे कितना आएगा तो जब कोई रॉड को हम रोटेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसमें बैटरी या इंड्यूस ईएमएफ जो आता है उसकी वैल्यू आ जाती है बी ओमेगा एल बराबर लिखा हुआ है v center का है वी सेंटर का अब ऐसे यहां पे चार रॉड है चारों के अंदर बैटरी ऐसे बनेगी सेंटर लो पोटेंशियल पे सरफेस हाई पोटेंशियल पे तो अगर चारों बैटरी को देखोगे तो एक दूसरे के पैरल हो गए में सेम पोटेंशियल एक पेरल निकाल के देखोगे तो इतना ही आएगा तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेंटर और रिमपे के बीच में बी उमेगा एल स्क् वन ट्वेंटी एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें एल इंक्रीज कर दिया डिक्रीज कर दिया ट्वेंटी परसेंट तो तो रेजोनेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखिए था LC, अब L की वैल्यू एट्टी परसेंट रह गया तो जीरो पॉइंट एट सी के बराबर अब वन ट्वेंटी फाइव या फाइव बाई फोर और 0.8 को लिख सकता हूँ 4 बाई फाइव तो ये वैल्यू बन आ जाएगी तो ये फ्रीक्वेंसी वो की वही रहेगी जो पहले थी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज 130 एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जहां ई नॉट पीक वैल्यू है तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टोटल एनर्जी डेंसिटी नहीं बोल रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी डेंसिटी है तो ये होती है हाफ एफ एल नॉट ई स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी भी टाइम पर है वो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर इलेक्ट्रोमैगनेटिक वे का फंक्शन होगा कुछ पूछा हुआ है इसका एवरेज वैल्यू एवरेज अगर लेंगे तो साइन स्क्वायर का एवरेज होता है हाफ तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू एफ एल नॉट ये पी e वैल्यू था और इसका एवरेज हाफ तो एवरेज डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वन बाई फोर एफसेल नॉट ई स्क्वायर आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन द फ्रीक्वेंसी फोटोन विल बी मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो मैक्सिमम एनर्जी बोल सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी गैप के करस्पॉन्डिंग आएगा तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं ये एनर्जी गैप कम होता जाता है तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप इस एनर्जी लेवल में एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी गैप मिलेगा फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट में कहीं से भी आएगा वहां से बाकी किसी भी ट्रांजिशन के करस्पॉन्ड नहीं तो फर्स्ट में कहीं पे भी आए तो फर्स्ट में ये है ये है लेकिन इसमें क्या है कि फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो इसमें तो एनर्जी चाहिए रेडिएशन इंसिडेंट होगा तब जाके जाएगा तो ये नहीं है इसलिए सेकंड से जब फर्स्ट में आएगा तो मैक्सिमम इमिडिएट फोटोन की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होगी बाकी कोई से भी ट्रांजिशन जो होंगे उनके अंदर एनर्जी से कमी है वन दो पार्टिकल है मास वन एम टू के

यहां तो दो हाफ लाइफ हो गए वन था हाफ लाइफ तो दो घंटे के बाद दो हाफ लाइफ तो एन नॉट बाई फोर ही हो गए फिर इधर जो है वो न्यूक्लियाई एक हाफ लाइफ हुआ है दो घंटे का मतलब तो इसके इसके एक हाफ लाइफ मतलब न्यूक्लियस हो गए पूछा हुआ है कि एक्टिविटी का रेशियो क्या होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो नहीं पूछा हुआ एक्टिविटी का तो एक्टिविटी क्या लिखेंगे लॉक टू बाई हाफ लाइफ और एन तो एन के प्रोपोर्शनल हाफ लाइफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो एन के हिसाब से

एक लेंस रख दिया स्क्रीन पे इसकी इमेज बन रही है सिक्सटी सेंटीमीटर पे अब ये बोल रखा है कि इसको शिफ्ट किया दूसरी पोजिशन पे ट्वेंटी सेंटीमीटर पे तो दूसरी इमेज फिर से स्क्रीन पे बन रही है तो लेंस पहले कहीं था उस वाली पोजीशन से 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया और इमेज वापस से स्क्रीन पे बन रही है तो इमेज वापस स्क्रीन पे बन रही होती है जब अगर पहले इसको एक्स बोल दूं ये डिस्टेंस अगर वाई है तो एक्स प्लस वाई सिक्सटी है फिर अगर लेंस को शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा सा तो दूसरी बार क्या होता है कि ये डिस्टेंस वाई के बराबर हो जाती है और ये डिस्टेंस एक्स हो जाती है एक तरह से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस इंटरचेंज हो जाती है तो फिर से इमेज वही बनती है तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि वाई और एक्स के बीच में डिफरेंस है ट्वेंटी का तो इन दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं एड करेंगे तो टू वाईटी uh, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी और वाई आ गए फोकल लेंथ कैलकुलेट करें, 1 v, v की वैल्यू प्लस ट्वेंटी थ्री बाई फोर्टी तो फोकल e लेंथ तो की वैल्यू सॉरी एफ की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी बाई थ्री फोर्टी बाई थ्री वन थर्टी फाइव फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस तरह की बनाएगा रियल वर्चुअल इरेक्ट इन्वर्टेड तो जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट इसके फोकस से थोड़ा सा दूर रखा हुआ होता है तो ये तो क्या करता है इमेज थोड़ी एनलार्ज करके यहां बना देता है तो ये तो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज इन्वर्टेड बनाता है लेकिन जब ये रेस इस पे जाके गिरती है तो ये इसके फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तो इसलिए वर्चुअल इमेज पीछे कहीं बना देता है ये पीछे बनाया तो इधर जा रही है वर्चुअल इमेज बना रहे हैं। लेकिन इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इनवर्टेड है तो इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज फाइनल बनती है इसके अंदर B, अंदर सेक्शन सेक्शन बी बी जिसके क्वेश्चन क्वेश्चन है फर्स्ट पे आते हैं तो में ग्राउंड से वी से एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड वेलोसिटी बतानी है किस से वापस जाएगा तो देखो यहां पर जो अलोंग लाइन ऑफ कोलिजन या नॉर्मल के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी वो ई टाइम्स हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूं 45 डिग्री एंगल था तो ये आ जाएगा वी नॉट बाई रूट टू हॉजेंटल कॉम्पोनेट आ जाएगा वी नॉट बाई रूट तो। टू हार्जेंटल तो चेंज होगा नहीं अलोंग लाइन पर इंपैक्ट चेंज होता है और वो हो जाता है ई टाइम्स ई की वैल्यू है तो ई टाइम्स वन बाय टू टाइम्स हो जाएगा तो ये येगा नॉट बाई टू तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं तो रिजल्टेंट आ जाएगा वी नॉट बाई अगर मैं टू कॉमन ले लेता हूं तो ये रह गया था प्लस वी नॉट बाई टू कॉमन लेने का मतलब ये root two था उसका स्क्वायर आ गया रूट टू uh, का स्क्वायर टू और इसका रूट तो ये वैल्यू आ जाएगा थ्री रूट थ्री बाई टू वी के बराबर तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा वन थर्टी सिक्स में थर्टी सेवन शेल था उसको कट कर दिया दो पीस में तो करेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड एट पी एंड क्यू क्या रिलेशन होगा तो देखो जब ये पी और क्यू कंप्लीट स्फेयर था तो कंप्लीट कंडक्टिंग स्फेयर के इन साइड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्रेविटेशनल uh, फील्ड की जो वैल्यू थी वो जीरो है जीरो है कंप्लीट अब यहां पे कंप्लीट जीरो को मैं ये बोल सकता हूं कि इस ऊपर वाले पार्ट की वजह से जितना फील्ड आ रहा है दो पार्ट में अगर ब्रेक कर दू तो जितना नीचे वाले पार्ट की वजह से फील्ड आएगा इसकी वजह से कैंसिल हो रहा है तो दोनों की वजह से फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आने की वजह से इस पॉइंट पर कैंसिल हो रहा है जब पार्ट सेपरेट कर दिए तो जो क्यू पॉइंट है वही पॉइंट इसी को ही बोल रहे हैं इसी पॉइंट को भी ब्रेक कर दिया दो तरह से तो इस वाले पॉइंट पर इसकी वजह से जितना ग्रेविटेशन फील्ड है सेम इसकी वजह से आएगा डायरेक्शन वाइज जरूर अपोजिट है तो हम कंपेयर करें अगर फील्ड को उस पॉइंट पर तो फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है डायरेक्शन वाइज अपोजिट है जीरो नहीं है कुछ वैल्यू आएगी इसकी 138 तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से तो मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी ऑफ रेजिडिटी लिक्विड इज जीरो लिक्विड के अंदर शेयर मॉड्यूलर शेयर स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होता है वो सॉलिड के अंदर आता है तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा अपना यंग्स ऑफ मटेरियल डिक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर तो ये यह स्टेटमेंटर जैसे बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है वो मटेरियल की कम होती जाएगी मॉडल्स ऑफ रेजिडिटी या सॉरी यंग्स मॉडल्स डिक्रीज हो जाएगा पॉइजन रेशियो रेशियो है डायमेंशन लेस है ये करेक्ट है प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो लाइव बिटवीन जीरो एंड वन ये जरूरी नहीं है पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है तो यहां पर बी और सी करेक्ट होंगे तो फोर्थ अपना करेक्ट हो जाएगा वन कॉलम वन और कॉलम टू में रिलेट करना है किससे रिलेटेड है

तो कौन सा पार्ट कौन सा वाला पार्ट किससे रिलेटेड है वो रिलेशन देखना था तो ए का आर बी का एस सी का पी और डी का जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा 140 एक बॉल आ, एक बॉल रेस से लॉन्ग कॉलम के अंदर रिलीज किया हुआ है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज रिलीज जैसे ही करेंगे तो उस टाइम पर विस्कस लिक्विड में जो विस्कस फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो रहेगी इनिशियली विस्कस फोर्स कितना बोल सकते हैं कोई बॉल रिलीज किया तो सिक्स पाई नीटा आर वी के बराबर या कॉन्स्टेंट टाइम्स वी बोल दो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में ये था तो तो शुरुआत में जीरो था तो इसलिए इनिशियल एक्सेलरेशन जी के बराबर अब बोल रखा है कि ये टू थर्ड वेलोसिटी मैक्सिमम की जब टू थर्ड एक्वायर कर लेगा तो एम जी माइनस विस्कस फोर्स विस्कस फोर्स हो गया के मैक्सिमम वेलोसिटी का टू इक्वल्स टू एम ए

एक सर्किट दे रखा है टेन माइक्रोफेट कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है स्विच एस को क्लोज किया लंबे टाइम के लिए तो कितनी एनर्जी कैपेसिटर के, के अंदर स्टोर हो जाएगी तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे उसके बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा जब फाइनली लंबे टाइम के बाद स्टडी स्टेट आ जाएगा तो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पूरा पूरा टेन वोल्ट इसके ऊपर आएगा तो फाइनल एनर्जी फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर तो ये आ जाएगी

आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू या वन अपॉन आर करके लिख दो वन बाई थ्री हंड्रेड इक्वल टू वन बाई फोर हंड्रेड प्लस वन बाई आर इसको उधर ले जाएंगे डिफरेंस लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी वन टू जीरो जीरो आर की वैल्यू जाएगी ट्वेल्व हंड्रेड ओम के बराबर वोल्ट का रेजिस्टेंस नेक्स्ट में कलर कोड दे रखा है तो उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस मेगा ओम में बताना है कितना है कलर दे रखा है ये ब्राउन है वॉयलेट येलो गोल्ड तो देखिए कलर कोड में बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ इस तरह से हम कलर कोड लिखते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन कलर कोड क्या दे रखा है पहला ब्राउन पहला ब्लैक है दूसरा ब्राउन नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग वन आ गया फिर अगला है वॉयलेट वॉयलेट उसके करस्पॉन्डिंग सेवन आ गया तो पहले दो डिजिट तो ये नंबर बताएगा थर्ड वाला पावर बताएगा तो ये पावर फोर फिर ये वाला जो कलर है तो का आ जाएगा मेगा में कन्वर्ट करना है सिक्स तो जीरो पॉइंट वन सेवन इंटू टेन एस पावर सिक्स प्लस माइनस फाइव परसेंट तो फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा बोल रखा है कि एक एक्सपेरिमेंट में इंटरनल एसेंस एक सेल सेल का पोटेंशियोमीटर मीटर से मेजर कर रहे हैं और बैलेंसिंग पॉइंट जो लेंथ है वो दो मीटर मिल रही है जब शेल को शंट किया हुआ किया है फोर एन से तो इसका मतलब ये है कि जब शेल को हम शंट करके कंपेयर करते हैं और नल पॉइंट निकालते हैं तो इसमें इसके अक्रॉस जो लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा फाइव एल तो करंट जाता नहीं है तो बोल दो वो आई आर के बराबर आई की वैल्यू बोल सकता हूँ तो ये बैलेंसिंग लेंथ इस तरह से यहां पर आती है जब शंट किया होता है कोई रेजिस्टेंस अब क्या बोल रखा है कि एक थर्ड थ्री मीटर लेंथ आती है जब शंट किया हुआ है ओम से तो इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है तो कंपेयर करने के लिए बोला हुआ, एक बार बोल रखा है ये फोर एक बार बोल रखा है थ्री तो फोर के पहले लिखते थे फिर लेते थे तो फोर रेशियो लेंगे हो जाएगा इधर आ, आ जाएगा दूसरा रेजिस्टेंस एट आर प्लस एट और इस बार बैलेंसिंग लेंथ आ रही है थ्री तो रेशियो लेंगे ये वैल्यू आएगी तो इसमें सिक्स टाइम्स हो जाएगा सिक्स आर फोर्टी एट और इधर आ जाएगा एट आर प्लस थर्टी टू तो टू आर इक्वल टू आ जाएगा सिक्सटीन तो आर की वैल्यू आ जाएगी एट ओम के बराबर तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एट ओम के बराबर है नेक्स्ट वन फोर्टी फाइव

मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड होती है एस के अंदर ओमेगा ए ओमेगा पाई बाय टू इन ए तो पाई बाय टू फाइव पाई बाय टू तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए फिर इनिशियल फेज ये वाला पार्ट इनिशियल फेज बता रहा होता तो है, है तो पाई बाय सिक्स है इनिशियल फेज इनिशियल फेज पाई बाई सिक्स तो ए का हो जाएगा क्यू बी का हो जाएगा पी सी का हो जाएगा एस तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा डी का हो जाएगा आर। 146 येलो पड़े, फर्क पड़ेगा फेंट हो जाएगी, ब्राइटर हो जाएगी, फ्रिंज बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी तो जब वाईडीएससी के अंदर लाइट रिप्लेस करेंगे किस दूसरे से तो हम फ्रिंज बोलते हैं, बीटा इक्वल्स टू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल येलो का ज्यादा होता है वॉयलेट से तो ज्यादा तो फ्रिंज फ्रिज ज्यादा तो बीटा येलो का ज्यादा है वॉयट का कम है इसका मतलब फ्रिंज कम हो गई है बाद में ब्राइटर या फेंटर तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा वैसा कुछ है नहीं तो फ्रिंज फ्रिज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगी इस केस में वॉयलेट यूज करेंगे कंडक्टर तो। के अंदर कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप स्मॉल होता है तो कंडक्टर के अंदर क्या रहता है

वोल्टेज गेन बताना है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के अंदर और इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है लोड रेजिस्टेंस दे रखा है तो वोल्टेज गेन जो होगा वो हो हम बोल सकते हैं इनपुट करंट इनपुट रेजिस्टेंस ये आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट करंट गेन बीटा की वैल्यू गिवन है कॉमन एमिटर के अंदर बीटा होता है तो यह होगा जीरो पॉइंट सिक्स आउटपुट रेजिस्टेंस बोल रखा है 24 लोड रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस है थ्री, तो ये हो जाएगा 0.2 तो ये आ जाएगा 4.8 तो वोल्टेज गेन की वैल्यू 4.8 इसमें 149 एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है एक लॉन्ग पिन या वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताना है ओ पॉइंट पर कितना आएगा तो देखें इस वायर के लिए ये जो पॉइंट है एक तरह से इस मैग्नेटिक वायर, वायर, हो फील्ड होता है इस पे, -i की हो तो पॉइंट right तो पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर आएगी तो आउटसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क की वजह right से भी आर्क की वजह से राइट हैंड थंब रूल से फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में फील्ड आएगा तो वो भी प्लस होगा

एक मीटर लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है राइट right एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड से तो वायर ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ले लो फोर्स जो है वन kg वेट के बराबर लग रहा है तो फोर्स जो है किलोग्राम वेट में बता रखा है जिसको हम बोल सकते हैं वन किलोग्राम वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन तो ये फोर्स उस पे लग रहा है g की वैल्यू 9.8 यहां पे दे रखा है इसलिए 9.8 से रिलेट कर रहा है अब मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.98 पॉइंट नाइन है तो करंट कितना होगा तो किसी वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है बिल के बराबर और इस फोर्स की वैल्यू 9.8 है जहां बी की वैल्यू 0.98 करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है लेंथ लेन मीटर है तो यहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी टेन टाइम्स करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तो टेन एम करंट यहाँ पे फ्लोर है तो इसी के साथ पेपर अपना कंप्लीट होता है थैंक यू